नमस्कार दोस्तों। अब देखो ये देखो इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो था, जो पहले शुरुआत का जो वीडियो था, सबसे पहला वीडियो, वो दोबारा अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि देखो उसमें दिखने की और उसमें कुछ प्रॉब्लम सी आ रही है, तो इस वजह से उस वीडियो को मैं दोबारा अपलोड कर रहा हूँ। देखो अगर बात इंट्रोडक्शन की जाती है, अगर देखो इंट्रोडक्शन की बात की जाती है, तो वो उस वीडियो में भी बताया है कि किस प्रकार अपन इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर शुरुआत होती है, तो वो शुरुआत की जाती है लेटर से। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की अगर शुरुआत करते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है लेटर से। और लेटर आप जानते हैं कि ABC इस प्रकार के कोई लेटर की जो सीरीज होती है, ये आप सब जानते हैं इसके, क्योंकि देखो किसी भी प्रकार की आप लैंग्वेज बनाओ, SST सब्जेक्ट हो गया, साइंस हो गया, किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट है, अपन पूरे सब्जेक्ट की मिला करके बात कर रहे हैं। तो अगर सबसे पहले शुरुआत में बात करते हैं लेटर की, तो ये लेटर ABCD, ये इस प्रकार से सभी लेटर आ जाएंगे। और आप सभी चीज को जानते हैं कि जब लेटर्स का जब कॉम्बिनेशन किया जाता है, लेटर्स को जब मिलाया जाता है, तो लेटर को मिलाने से क्या बनता है, वर्ड बनता है। जैसे एप्पल, बॉय, ETC, इस प्रकार के जो सारे वर्ड बनते हैं वो सभी लेटर से मिला के बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तीसरा वर्ड के बाद क्या बनता है, वर्ड के बाद देखो बहुत सारी जगह ऐसा आपने सुना होगा कि वर्ड के बाद जो बनता है वो वर्ड के बाद जो बनता है वो बनता है सेंटेंस। लेकिन दोस्तों इस चीज को ध्यान रखने की बात है ये कि वर्ड के बाद जो है वो सेंटेंस नहीं बनता है, वर्ड के बाद जो बनता है वो बनता है फ्रेज बनता है। और फ्रेज किसे कहते हैं, देखो फ्रेज हिंदी में जो कहा जाता है, इसको हिंदी में इसको कहते हैं वाक्यांश। अब इसके अर्थ से ही आप इसका पता लगा सकते हैं कि जो वाक्य का पार्ट होता है, ये वाक्य का पार्ट तो होता है, वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश, वाक्य का अंश तो होता है, लेकिन इसकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं ये आप देखिए। सबसे पहला अगर देखो मैं यहां पर अगर एक सेंटेंस लिखता हूं, देखो मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा राम रीड्स इन द क्लास। अब मैं आपसे यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन लिखी हुई है, इस प्रकार की जो फॉर्मेशन होती है वह कहलाती है फ्रेज। अब देखो ये होता क्या है, ये समझिए आप पहले, इसकी जो पहली क्वालिटी होती है वो होती है कि इट विल नॉट चेंज, इट मीन्स यह कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। आप इसको सेंटेंस की शुरुआत में लिखो तो अच्छा, आप इसको सेंटेंस के एंड में लिखो तो अच्छा, सेंटेंस की शुरुआत में लिखो तो अच्छा। जैसे इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अब दोनों प्रकार के अगर सेंटेंस की बात करते हैं, तो दोनों प्रकार के सेंटेंसों में जो अर्थ है वह समान रहेगा। मतलब इसको आप यहां भी शुरुआत में लिख दिया तो भी अर्थ चेंज नहीं होगा, बाद में लिख दिया तो भी अर्थ चेंज नहीं होगा। तो इसकी क्वालिटी है कि पहला इसका ये कभी भी चेंज नहीं होता है, दूसरा अगर आप इसको सेंटेंस की शुरुआत में लिखते हैं या सेंटेंस के बाद में लिखते हैं तब भी इसका अर्थ समान रहता है। और इसके बाद इसकी फॉर्मेशन जो होती है, फॉर्मेशन विल बी सेम, इसकी जो फॉर्मेशन जो रहती है, शब्दों की जो बनावट रहती है, देखो वो हमेशा समान रहती है, वो कभी भी बदलती नहीं है। तो अब अपन फ्रेज से क्या समझे कि एक वाक्य का अर्थ से पार्ट होता है, लेकिन इसको कभी भी यूज किया जा सकता है शुरुआत में या एंड में, ये अपना अर्थ नहीं बदलता है और इसकी फॉर्मेशन कभी भी चेंज नहीं होती है। इसकी नेक्स्ट चीज अगर अपन बात करते हैं, तो ये इनकम्प्लीट सेंस देता है, इट विल नॉट गिव कंप्लीट
कंप्लीट सेंस। तो दोस्तों ये भी बात समझने की है कि ये जो सेंटेंस ये फ्रेज जो होता है ये कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं होता, वाक्य का पार्ट होता है लेकिन ये कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं देता। अब यहाँ तक ये चीज क्लियर हो चुकी है कि फ्रेज क्या होता है, लेटर हो गया, वर्ड हो गया, फ्रेज हो गया, लेटर से शुरुआत की है। ये वही वीडियो है, उसी वीडियो को दोबारा मैं बना रहा हूँ क्योंकि उसमें थोड़ी दिखने की प्रॉब्लम थी। अब ये फ्रेज हो गया, ये आप समझे कुछ फ्रेज के बारे में, इसके टाइप भी होते हैं लेकिन वो टाइप जो है वो डीपली अब आगे ज्यादा पढ़ेंगे, ये केवल इंट्रोडक्शन था इसका। इसके बाद फ्रेज के बाद अगर बात करते हैं, देखो दोस्तों इसको मैं मिटा रहा हूँ, लिख लीजिए। अगर फ्रेज के बाद बात करते हैं तो वो होता है फ्रेज के बाद क्लोज। क्लोज जो होता है, क्लोज को कहते हैं उपवाक्य। अब उपवाक्य क्या होता है ये समझिए पहले आप। जैसे वही सेंटेंस में यहां पर लिख रहा हूं, ये इतना सा सेंटेंस रहने दीजिए। अब इसमें देखो आप देखेंगे कि एक तो जिस सेंटेंस में एक तो हो सब्जेक्ट और एक हो प्रेडिकेट। देखो जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट तथा एक प्रेडिकेट हो उनसे क्या बनता है, क्लोज बनता है। समझने की बात है, क्लोज क्या होता है, उपवाक्य होता है। जैसे उपवाक्य को कैसे समझे, जैसे आप सुने होंगे कि जैसे प्रधानाचार्य प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल मतलब उप प्रधानाचार्य, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। तो आप इस चीज को समझिए कि क्लोज जो है वो क्या है, वाक्य है लेकिन वाक्य से छोटा पार्ट है। लेकिन समझने की बात ये है कि जैसे अगर मान लो प्रिंसिपल अब्सेंट है तो पूरा भार किसके ऊपर आ जाता है, वाइस प्रिंसिपल ही पूरा भार संभालता है। तो दोस्तों समझने की यही चीज है कि यदि अगर सेंटेंस नहीं है वहां पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है तो वह क्लोज है। तो अपने पास क्वेश्चन ये है कि क्या सभी क्लोज जो होते हैं क्या वो सेंटेंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, क्या सभी सेंटेंस क्लोज होते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए देखो अपने को सबसे पहले पढ़ने पड़ेंगे सेंटेंस, सेंटेंस के कितने टाइप्स हैं, सेंटेंस के टाइप्स अपने को पढ़ने पड़ेंगे। तो इसके बाद ये देखो नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ते हैं, ये तो था इंट्रोडक्शन, अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करते हैं। अब देखो इसको आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।